साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो उद्धव ठाकरे की हालत क्या इतनी खराब हो चुकी है कि वो 13 जून से लेकर अब तक 2000 रुपए भी नहीं जुटा पाए हो? जी हाँ, सिर्फ 2000 रुपए जुटा पाने की हालत में उद्धव ठाकरे नहीं है और ये बात कोर्ट रूम के अंदर से कंफर्म की गई है। खुद उद्धव ठाकरे की लीगल टीम ने ये कंफर्म किया है कि उद्धव ठाकरे पिछले 1.5 महीने के अंदर 2000 रुपए तक कोर्ट में जमा कराने की हालत में नहीं है। तो क्या है पूरा मामला, आपको भी बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय उद्धव ठाकरे की इस हालत पर जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को धन दौलत प्रॉपर्टी रुतबा और शोहरत सब कुछ विरासत में मिला। यहाँ तक कि उनके पिता बाला साहब ठाकरे उनके हाथ में ऐसी पार्टी की कमान सौंप कर गए जो कि उनके जीवन भर की सबसे महंगी पूंजी थी और जो उनकी 7 पीढ़ियों को तार देने वाली थी। मगर उद्धव ठाकरे पार्टी संभालना तो दूर की बात, कुछ भी संभालने में नाकामयाब साबित हुए हैं और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि उद्धव ठाकरे 1.5 महीने से 2000 रुपए तक जमा नहीं कर पाए। खुद उद्धव ठाकरे की लीगल टीम बताया है कि कोर्ट की तरफ से 13 जून 2024 को आदेश मिला था कि 2000 रुपए जमा कराए जाएं, मगर उद्धव ठाकरे ने अभी तक वो 2000 रुपए कोर्ट में जमा नहीं कराए हैं। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने स्पेशल कोर्ट अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया था जिसमें 2000 रुपए जमा कराने के लिए कम से कम 2 दिन का समय दिया गया था। ये राशि पिछले महीने जून में उन पर फाइन के तौर पर लगाई गई थी। ये फाइन उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले में लगाया गया था। उद्धव ठाकरे और संजय राउत की लीगल टीम ने कहा कि उन्हें 13 जून को आदेश मिला और अदालत पर कैश काउंटर जहां पैसे जमा किए जाने थे अगले 2 दिनों के अंदर बंद कर दिया गया। लीगल टीम ने बताया कि कोर्ट के कैश काउंटर ने इंतजार किया लेकिन 2 दिन के अंदर उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से वो 2000 रुपए जमा नहीं कराए गए। इसके बाद लीगल टीम ने बताया कि अगले कुछ दिनों में उनकी तरफ से फिर से कोशिश की गई और प्रक्रिया को फिर से चालू कराने के लिए औपचारिकताएं पूरी की गई, मगर फिर भी 10 दिन की अवधि बीत जाने के बाद कैश काउंटर पर मौजूद अधिकारियों को पैसे जमा नहीं कराए गए और इसके बाद 10 दिन की अवधि गुजर जाने के बाद कैश काउंटर के अधिकारियों ने पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पहले 2 दिन का वक्त दिया फिर 10 दिन का, लेकिन अब भी उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से पैसे जमा नहीं कराए गए हैं जो कि पूरी तरह से कोर्ट की अवमानना है। यहां आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ उनके एक पूर्व सहयोगी शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट के नेता राहुल शेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। जब मजिस्ट्रेट अदालत ने उनके खिलाफ प्रक्रिया जारी की, उन्हें तलब किया और उन्हें बरी करने से इनकार कर दिया तो दोनों ने एक पुनरीक्षण दायर किया और मुंबई सत्र न्यायालय का रुख किया जहां पर उन्हें 2000 रुपए फाइन के तौर पर जमा कराने के आदेश दिए गए। लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत की तरफ से वो 2000 रुपए 23 जुलाई 2024 तक भी जमा नहीं कराए गए हैं। हालांकि शेवाले की ओर से पेश अधिवक्ता चित्रा सालुंखे ने 2 दिन का समय मांगने वाले इस नए आवेदन का विरोध किया और कहा कि उनके उदासीन रवैये के कारण पैसा जमा कराने की प्रक्रिया नहीं हो पाई। वकील सालुंखे ने ये भी आरोप लगाया कि यह ठाकरे और राउत की तरफ से केवल देरी करने की रणनीति से किया जा रहा है। वकील ने बताया कि अब इस मामले में स्पेशल कोर्ट 31 जुलाई को फिर से दलीलें सुनेगी। यहाँ आपको बता दें कि शिवसेना यूबीटी पार्टी के मुखपत्र सामना में एक लेख प्रकाशित करने के लिए उद्धव ठाकरे और राउत के खिलाफ राहुल शेवाले ने मानहानि का मामला दर्ज कराया था। शेवाले पहले उद्धव ठाकरे और राउत ग्रुप के थे लेकिन अब वो एकनाथ शिंदे गुट के नेता हैं। शेवाले की तरफ से दायर याचिका में मानहानि की शिकायत की गई थी और ये शिकायत की कार्रवाई मझगांव मजिस्ट्रेट अदालत में चल रही है। कार्रवाई के दौरान मजिस्ट्रेट अदालत ने दोनों को मामले से मुक्त करने से इनकार कर दिया था और ये आदेश 26 अक्टूबर 2023 को ही पारित कर दिया गया था। इसके बाद नियमों के अनुसार दोनों को मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को तुरंत चुनौती देनी चाहिए थी जो उन्होंने नहीं की। पुनरीक्षण दायर करने के लिए नियमों के तहत 84 दिनों का समय दिया जाता है लेकिन उद्धव ठाकरे और संजय राउत ने 84 दिनों के अंदर पुनरीक्षण दायर नहीं किया, जिसके बाद सत्र न्यायालय ने 13 जून को उन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया था और ये पैसा अगले 2 दिनों के भीतर जमा किया जाना था। अब ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे या संजय राउत के पास पैसों की कोई कमी हो सकता है कि उद्धव ठाकरे और संजय राउत जानबूझकर पैसा जमा नहीं करा रहे और कोर्ट में देरी करते जा रहे हैं ताकि मानहानि के दावे को घुमाया फिराया जा सके, मगर कोर्ट को घुमाना इतना भी आसान नहीं है। उद्धव को 2000 रुपए देने के लिए अपनी बेइज्जती कराना कितना महंगा पड़ सकता है? विधानसभा चुनाव से पहले ये 2000 रुपए उद्धव और संजय राउत पर कितने भारी पड़ सकते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के नेता अजित पवार ने बड़ा ऐलान कर सबको चौंका दिया। पवार ने कहा कि उनकी पार्टी स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेगी, यानी कि चुनावी मैदान में अकेले उतरेगी। यहां पर पवार ने फिलहाल महाराष्ट्र निकाय चुनाव का ऐलान किया, लेकिन माना जा रहा है कि अजित पवार विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही उतर सकते हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान महाराष्ट्र में एनसीपी का बेहद खराब प्रदर्शन रहा, जिसके बाद से एनसीपी के कई नेताओं का रुख बदलता हुआ नजर आया। कई नेताओं ने इस्तीफा तक दे दिया। इस दौरान अजित पवार को अपनी पार्टी की मजबूती साबित करने के लिए काफी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा और वो अपनी पार्टी की मजबूती साबित नहीं कर पाए। अब सामने ये आ रहा है कि अमित शाह हाल ही में महाराष्ट्र के दौरे पर थे। महाराष्ट्र में उन्होंने महायुति के सभी नेताओं से मुलाकात की, सभी से आराम से बात की और चुनावी चर्चाएं की, लेकिन अजित पवार को उन्होंने मिलने का वक्त तक नहीं दिया और अजित पवार की अपॉइंटमेंट को सिरे से खारिज कर दिया। सामने आया कि अमित शाह ने अजित पवार से मीटिंग के लिए साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद अजित पवार को ये बात बुरी तरह खल गई और अजित पवार ने बाहर निकलकर मीडिया के सामने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी महाराष्ट्र निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी। मीडिया के सामने ये ऐलान करने के बाद अजित पवार तुरंत पिंपरी चिंचवाड़ शहर के लिए निकल लिए और वहां पर भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए साफ कह दिया कि स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने के लिए कार्यकर्ता तैयार रहे और मजबूती से पार्टी के लिए काम करें। अजित पवार ने कहा कि भले ही हम लोकसभा में महायुति के सहयोगी थे, लेकिन अब अकेले लड़ने का, अकेले मैदान में उतरने का वक्त शुरू हो चुका है। यहां पर अजित पवार ने बार बार निकाय चुनाव अकेले लड़ने की बात कही, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजित पवार अब विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही उतरेंगे। फिलहाल वो खुद को, खुद की पार्टी को और कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में परखना चाहते हैं कि उनमें कितना दम है, अपने दम पर वो कैसा प्रदर्शन कर सकते हैं, और अगर प्रदर्शन थोड़ा भी ठीक रहा तो अजित पवार हो न हो विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही मैदान में उतरे। यहाँ आपको बता दें, स्थानीय निकायों के चुनावी तारीखों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। इसमें नगर पालिका परिषदें, नगर पंचायतें और जिला परिषदें शामिल हैं जिनका चुनाव होना है, और इन स्थानीय निकाय चुनाव से पहले अकेले उतरने का अजित पवार का बयान ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ दिन पहले ही आरएसएस से जुड़े एक मराठी पत्रिका ने अजित पवार के नेतृत्व वाली पार्टी के बीजेपी के साथ गठबंधन को पूरी तरह गलत करार दिया था। इस पत्रिका में अजित पवार की पार्टी को महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली हार का बड़ा जिम्मेदार भी बताया था। सामने आया है कि इसी के बाद अमित शाह ने भी अजित पवार को इग्नोर कर दिया और महाराष्ट्र पहुंचकर महाराष्ट्र में सबसे मिलने के बावजूद अजित पवार से मिलने से साफ इनकार कर दिया, और यही वजह है कि अब अजित पवार स्थानीय निकाय चुनाव में अकेले उतरने का फैसला कर चुके हैं और वो विधानसभा चुनाव में भी अकेले ही उतरेंगे, इसकी भी पूरी संभावना है। तो आपको क्या लगता है, क्या अजित पवार का राजनीतिक करियर खत्म हो चुका है? चाचा शरद पवार से पहले ही उनकी ठन चुकी है, दगाबाजी का बड़ा किस्सा आप सभी को पता है। तो क्या ऐसे में अजित पवार अपने दम पर उठ पाएंगे या फिर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।